ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता नेता शिवसेना के, आशुतोष दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रतन शारदा जी लेखक है, आरएसएस विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजमोहन जी, ये जो अयोग्यता वाला पूरा मामला है, उनका कहना है दो तिहाई उनके साथ है, आप कहते हैं बीजेपी में मर्ज कर जाए, वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये कानूनी प्रक्रिया किस तरह से आप लोग सही ले जा पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है कि दो तिहाई बहुमत अगर उनके साथ है, आप सोचिए सर, एक भी मंत्री विधायक शिवसेना का नहीं बचा है। अभी अभी खबर आई थी कि उदय सावंत भी निकल गए हैं, गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। देखिए अंजना जी, हाँ, एक बात स्पष्ट है कि आज महाविकास अघाड़ी के पास अपना बहुमत है। अब मुद्दा यह आता है कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं या एक बड़ी संख्या में लोग ये कहते हैं कि हम टूट के अलग हो गए, हाँ, तो उनकी इस बात को के परीक्षण के लिए जगह कौन सी है? उनका वक्तव्य तो खाली इसमें परीक्षण नहीं हो सकता, उनके दस्तखत किया हुआ कोई ज्ञापन तो इसमें एक अधिकृत नहीं हो सकता। कानून में जिसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है हाँ, कि ऐसे लोग हैं उनको आके ये कहना पड़ेगा हाउस में कि हम इससे अलग हो गए। अब जब तक ये शरद पवार हाउस कुछ कह रहे, सुनिए। हमारा पार्टी का टोटल सफर उद्धव ठाकरे जी को है, हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलएस असम लेके गए, वो जब वापिस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं। सर, आप इतनी हलचल है महाराष्ट्र में, आप दिल्ली पहुंचे हैं, क्या मेन पर्पज है दिल्ली आने का सर? किन किन लोगों से आप मिलेंगे? किसी को मिलेंगे नहीं, पर हमारी एक मीटिंग है पार्लियामेंट में और नॉन बीजेपी पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है इसका हमें नॉमिनेशन भरना है, मिस्टर यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मुझे विश्वास है कि मैं अकेला नहीं, मगर अन्य नॉन बीजेपी पार्टी के नेता वो भी यहाँ आएंगे। अभी मैंने देखा अखिलेश सिर्फ दूसरे साइड से आ गए, ये सब कल 11:30 बजे पार्लियामेंट में हम यशवंत सिन्हा जी का नॉमिनेशन बनेंगे। संजय राउत ने बोला कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएंगी, अभी उनका बयान है कि 40 लाशें गुवाहाटी से आएगी, संजय राउत ने ये बोला है, क्या आप मानते कि ऐसा कहना सही है? मैंने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि अपने बाप के नाम पे वोट मांगे, इस तरह की भाषा जो तो उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए, लेकिन वो कैसे आएंगे ब्रजमोहन जी? अगर संजय राउत खुल के धमकी देंगे, बोलेंगे मेरा एक इशारा काफी है, जाहिर तौर पर डराने, ये तो डराने का ही एक तरीका है ना, कैसे आएंगे? और आप उनको धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले की बात हो रही है, क्यों? अंजना जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार दोनों ही हिंसा के पक्ष में नहीं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन आप देखिए कि एक तासीर शब्द होता है, तासीर, जैसे पानी की तासीर ठंडक है, आपकी तासीर गर्म है। अब इसको हम बदलने की अगर बात सोचे तो मैं सोचता हूँ शायद ये असंभव है। अच्छा, शिवसेना ने भी, शिवसेना का जो गठन हुआ वो उग्रता के साथ हुआ है, और ये जितने आप एमएलए जिनकी बात कह रही है जो वहां पे असम में जाके बैठे हैं, ये सब तो उसी के हिस्से रहे हैं, तो आज ये किस बात से डर रहे हैं? हिंसा और हमले को तासीर बताकर जस्टिफाई कर रहे हैं आज? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे अब भारतीय जनता पार्टी की तासीर, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तासीर क्या है? अगर अपन बात करें तो ये कहा जाएगा कि ये इसकी तासीर जो है हिंदुवाद के लिए है, क्या गलत होगी ये बात कहना? चूंकि वो तासीर हमें पसंद नहीं आ रही है इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, पर ये तो सबों को मालूम है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी और हम सब लोग हिंसा के हमला कर दे, जाके दफ्तर तोड़ दे, धमकियां दे, और ये तो इनका तासीर है जी, ये तो कर सकते हैं। अंजना जी, मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूं, नहीं अंजना जी, मैं जस्टिफिकेशन नहीं कह रहा, मैं एक जो एक कैरेक्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तासीर नहीं चलता सर।
तासीर और कैरेक्टर नहीं चलता है कि कैरेक्टर के नाम पर आप किसी के घर पर हमला कर दें, ये सब नहीं चल सकता है। खानू आपको आज आज क्यों डरना पड़ रहा है उन विधायकों को, आज उन विधायकों को क्यों डरना पड़ रहा है बताइए। वो तो प्रोडक्टिव हाथ से निकले हुए, जब उनके पास बहुमत है, उनके पास बहुमत है, उनके पास बहुमत है, बहुमत कैसे? अच्छा आप अंजना जी बताइए, इस बहुमत जब दो पक्ष विवाद कर रहे हो तो अंततोगत्वा इसका फैसला कहाँ होगा? एक निर्धारित जो कानून की प्रक्रिया है बिल्कुल वही पर होगा। अब कानून की प्रक्रिया क्या है? लेकिन एक तरफ आप डराएंगे धमकाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि आते क्यों नहीं है, ये तो अलग सी बात हो गई ना। ये कैसे चल सकता है सर, ये कैसे चल सकता है? आप कहेंगे ये तो इनकी तासीर है, गर्म तेवर के हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि आते क्यों नहीं है। कोई अपने आप को खतरे में क्यों डालेगा, क्यों खतरे में डालेगा? आप सोचिए सर, आज भी अगर 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 विश्वास होता उद्धव ठाकरे पर तो एक के बाद एक नेता विधायक मंत्री थोड़ी जा रहे होते सर। क्या नैतिकता अब कोई सवाल नहीं रह गया है? पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई और अभी एहसास ही नहीं हो पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अंजना जी मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग जा रहे हैं जब वहां से आएंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअली कौन किसके साथ है। इसी बात से तो वो लोग जो जो अपने आप को रिवेल कह रहे हैं वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे अपने आने की? अरे सर सावन जी तो आप ही के साथ थे ना, अभी तक तो सावन जी यहीं पे थे ना, कल तक भी वो मिले होंगे ना उद्धव ठाकरे से, बैठक में शामिल हुए थे ना, उनको नहीं रोक पाया? रोकने की जरूरत ही नहीं है, जिन पे हमारा अपना विश्वास है उनको क्यों रोकेंगे हम, जाने दें उनको। अभी आप कह रहे हैं ना जबरन सबको रखा हुआ है, अरे आपने ये कहा ना उनको जबरन रखा हुआ है, कल तक तो आपके साथ थे ना उदय सावंत, वो भी चले गए फुर। मैंने कब कहा कि जितने लोग जा रहे हैं सभी को जबरन रखा हुआ है? जो लोग कुछ लोग गए भी हैं अपने मन से गए और वहां जाके क्या कर रहे हैं, ये आने वाले समय में हाउस में तस्वीरें देखिए सर, वहाँ हैप्पी बर्थडे मन रहा है, देखिए ये सब फुल स्क्रीन दिखाइए सर को, सुनाइए जरा इसमें से कौन डरा हुआ था। ये देखिए गुलदस्ता, हैप्पी बर्थडे फोटो। जी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि डरे हुए, सारे के सारे विधायक यहाँ पर है सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, सुनाइए। आने से आ क्यों नहीं रहे? ब्रिजमोहन जी पैर छू रहे एकनाथ शिंदे का, 30-35 तो इसी वीडियो में दिख रहे हैं जिनको मैंने गिन लिया। अंजना जी मैं ये कर रहा हूं। इनको जबरदस्ती रखा हुआ है, मतलब ये तो एक चुटकुला है ना सर। मैंने अंजना जी नहीं कहा उनको जबरदस्ती रखा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो लोग वहाँ पे इतने निश्चिंत है तो क्यों नहीं वो इसी प्रकार से मुंबई में आ जाते, क्यों नहीं अपने हाउस में आके तय कर ले? किसने कहा? अगर अगर हाउस में ये तय हो जाएगा कि उनके पास बहुमत है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब एक मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पे रहना पसंद करेंगे, या हम या महाविकास अगाड़ी कभी ये कहेगी कि हमको सत्ता में रहना है? ठीक है, मैं इस पर मैं रतन शारदा जी से जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक बागी विधायक जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक करेक्शन है इसमें, जो ये नरेंद्र भोंडेकर है जिनका बर्थडे वहां पर मनाया जा रहा है, गुप्ता जी को दिखाइए पहले। गुप्ता जी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे अपने विधायक को? वैसे एक बात बताइए आप मुझे कि इस हॉल के अंदर एक भी कोई होटल का कर्मचारी नहीं है, कोई भी इधर उधर का आदमी नहीं है, मतलब क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये कैद में हो किसी में? एक 5-स्टार होटल के अंदर कुछ कर्मचारी होते हैं जो चाय कॉफी पानी कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। आज तक जितने वीडियो आपने हमें दिखाई, दूसरे चैनलों ने भी दिखाई, आपने भी दिखाई, उसके अंदर उस हॉल के अंदर सिर्फ वो विधायक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है होटल का कि जो कि आ रहा हो जा रहा हो। तो क्या ये एक होटल के अंदर कैद खाना सा नहीं लगता?